जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो चिदानंदाय नमो हरिहंताय नमो वरदाय नमो विष्णु। मंगलमय मंगल करी मंगल करी सात तत्व की कक्षा ले रहे हैं। सात तत्व का जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैन शासन की सार्थकता की शुरुआत सात तत्व से हो रही है। और अंत भगवान देवदास गुरु का श्रद्धान भी तत्वार्थ श्रद्धान के लिए किया जाता है। देवदास गुरु का श्रद्धान भी तत्वार्थ श्रद्धान के लिए होता है और तत्वार्थ के श्रद्धान का जो प्रयोजन है वो स्वपर के लिए भेद विज्ञान के लिए होता है। अर्थात देवदास गुरु के दर्शन करना, उनका आलम्बन लेना, उनकी उपासना करना यह तब सार्थक होगा जब हमें तत्वार्थों का श्रद्धान हो। इधर से चलो तो तत्वार्थ श्रद्धान के बिना कोई स्वपर भेद विज्ञान नहीं कर सकता और स्वयं और पर को जाने बिना कोई स्वयं का अनुभव आत्मा का सिद्धांत है। चार स्टेप लिए, चार स्टेप आत्मा का अनुभव आत्मा का सिद्धांत नहीं कर सकता। चार स्टेप समझाई थे देवदास गुरु, आगे सात तत्व, आगे स्वयं पर और आगे आत्मा। इनमें से केवल एक पॉइंट पर आकर के रह जाएं, जैसे कि समाज में लगभग लोग इस पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारे देव है, ये हमारे शास्त्र है और दिगंबर मीरा हमारे गुरु हैं। लगभग इधर तक तो आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद 1% 2% लोग यहाँ पर आते हैं। 2% कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो सात तत्व की बात करते हैं। देवदास गुरु तक भी कितने लोग आते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं? 5 से 10% लोग। उनमें से भी घट करके तत्वी चर्चा करने वाले, सात तत्वी बात करने वाले और भी कम, और फिर स्वयं का भेद विज्ञान करने वाले उनमें भी कम, और फिर आत्मा का अनुभव करने वाले, समझ गए क्या, काउंटेबल ऑन द फिंगर। मैंने इसमें दौड़ लगा। आइए अपन इन चारों को लेकर के चलेंगे, अपन चारों स्टेट को लेकर चलेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि देव के पास से आप दर्शन करके आए हैं, शास्त्र की सभा में बैठे हैं और आचार्य कुनकुन आदि के प्रति आपका श्रद्धान है, तो पहली स्टेप को मैं मान के चलता हूँ कि अपन क्रॉस कर गए, बराबर। 4 स्टेप तो याद रह जाएगी, आपको लिख लेना है घर जाकर के। कल से कॉपी पेन भी ले सकते तो मैं लिखवा भी दूंगा, आपको याद रखना। 4 स्टेप याद होगी, ठीक। अब आगे चलता हूँ। हमें 7 तत्व पढ़ना है। टोडरमल जी साहब ने कुछ कहा, उससे पहले मुझे तत्वार्थ सूत्र की याद करना है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये कौन से नंबर का सूत्र हो गया? पहले अध्याय का ये पहला ही सूत्र हो गया। और इसके तत्काल बाद तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मालूम है सबको? मालूम है, वेरी गुड। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बस इसका मतलब है कि जैन शासन की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्वार्थ सिद्धांत से होती है, बराबर। तो तत्वार्थ सिद्धांत मैंने अपन कितने महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ रहे हैं। छेडला का दौलत राम जी साहब तीसरी ढाल के प्रारंभ में लिखना प्रारंभ करते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं जिसको मैं कहना तो रोज चाहूंगा, शायद मैं ना कह पाऊं, लेकिन आप समझना कि मैं रोज कह रहा हूँ। मन एक होता ना जैसे साइलेंट, वो आपको समझ नहीं है, वो आए समझ। कौन सी लाइन? ज्यों का त्यों सर धानो, बोले जाए ना, ज्यों का त्यों सर धानो। एक बार और बोलो, इसी पंक्ति पर मेरे पूरे 10 दिन प्रोसेस हो गए, केवल ये बताने के लिए कि ज्यों का त्यों माने क्या। समझ गए बेटे मेरे प्रवचन की फोकस लाइट कौन से हो, फोकस दिशा क्या होगा? ज्यों का त्यों। अरे वाह, आप क्या समझ रहे हो? हम बाबूजी के गांव के देश विद्या ग्राम के कलर कोटा के रहने वाले के, हमने 50 साल हो गए, 60 साल हो गए पढ़ते हुए सुनते हुए, और हम नहीं समझते ज्यों का त्यों। नहीं, हमें कोई एलर्जी नहीं है आपसे। यदि ज्यों का त्यों सरदानो होगा तो आप चौथे लेवल पर आ गए होंगे। यदि आपको लगता है कि आप आगे, तो कांग्रेचुलेशन, कल आपकी तरफ से मिठाई खाएंगे हम सब। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक विद्यार्थी हमसे कह रहे थे रास्ते में कि मैं स्मारक में रहता हूं तो मेरे परिणाम अच्छे रहते हैं, क्योंकि दिन भर ही गतिविधियां चलती है स्वाध्याय की। तो अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने उसे एक बात कही, तो बेटे आप परिणाम को नहीं पहचानते। मैंने उसे कहा आप परिणाम को नहीं पहचानते, आप 8, 10, 12 घंटे इसी माहौल में रहते हैं, पढ़ाई चलती है, स्वाध्याय चलती है, कक्षाएं चलती है, पढ़ते पढ़ाते हो, बहुत अच्छा, लेकिन इसका नाम परिणाम सुधरना नहीं। तो सब उन्होंने उससे पूछा फिर कि परिणाम सुधरने का क्या मतलब? तो मैं आप सबको ही बता देता हूँ, बता दूँ, नाराज तो नहीं होगी ना? अनहाना तो बोलो, नहीं बताऊँ, नहीं सुनना तो मत सुनो, नहीं बताता हूँ मेरे। तो नहीं बताता हूँ, ठीक है? आप कह रहे तो बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने उससे बात कही, वो सुनने लायक है। मैंने कहा बेटा परिणाम इसका नाम नहीं है। आप अकेले में जब बिना अवलंबन के रहते हैं ना, उस समय आप जितना मुस्कुराते हो वो आपके परिणाम ठीक होना है। उत्तर समझ में आया? बस शास्त्र पढ़कर प्रसन्न होना अलग बात है, सोसाइटी में बैठकर प्रसन्न होना अलग बात है, प्रवचन की गादी पर प्रवचन करके प्रसन्न होना अलग बात है, मंदिर में पूजा पाठ धूमधाम हो रही हो तो धमाधम 5-10 दिन 8-10 दिन का प्रोग्राम हो और सब मजा आ गया, जीवन सफल हो गया। सफल नहीं हो गया, विफल हो गया। नहीं, अच्छा नहीं लगता, विफल मत बोलो। तो मैंने उस बच्चे को जो कहा था वो शब्द रिपीट कर रहा हूँ, एक शब्द बोला था रिपीट, उन्होंने भी आपसे कहा नहीं वो शब्द। मैंने कहा बेटा आप कोमा में हो। कोमा तो समझते होगे? मैं कोमा मैंने वही समझता था। लेकिन हमारे आयुर्विज्ञान ने कोमा का मतलब बता दिया कि बस पुलिस स्टॉप नहीं लगा। समझ आया? कोमा की स्थिति से निकलना है। फिर से कह रहा हूं, परिणाम सुधरने का मतलब है अकेले में आप कितना एंजॉय करते हो सेल्फ को, आत्मा को, तत्व ज्ञान को, ध्याय को, अकर्ता को। अंदर से आवाज निकले आई है, अंदर से आवाज निकले मैं परमात्मा। जैसे शादी होने के बाद ऐसा कोई सोचते थोड़ी मैं हस्बैंड हूँ, लेकिन उसको रोम रोम से टपकता है आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। शादी हो जाती है उससे पूछो, उसका मुस्कुराहट, उसका खान पान, उसका घूमना, दोस्तों से मिलना, मैंने फुल स्पीड होती है अच्छी खासी। मैंने कोई भी आदमी समझ सकता है कि आज इसकी शादी हो गई है। मैंने रहता है तो जो भी रोमांच होता है उसको, ऐसा रोमांच आपको अकेले में आ रहे तो समझ लो कि बहुत रोमांच हो गया आपको। आइए इन सब बातों की लेवल लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। कौन सा मीनिंग ज्यादा समझाऊंगा, कोई बताओगे? ज्यों का त्यों सरधानम, सरधानों का मतलब तो श्रद्धा है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, ज्यों का त्यों जानो नहीं कहेगी। पॉइंट पकड़ में है कुछ? ज्यों का त्यों जानो नहीं कह रहे, ज्यों का त्यों सरधानो। बच्चों को समझा दूं, आप भी समझ जाना, आप समझदार हैं इसलिए बच्चों को समझा देना। समझा? ये बच्चा जानता कुछ और है और श्रद्धा कुछ और करता है। जैसे दृष्टांत, जब इसकी मम्मी इसके ऊपर चिल्ला के बोलती है मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आ जा तू घर में न टांग तोड़ी, तो ये बात के उसने जाने तो सही, जानेगा तो ऐसे ही नहीं। और श्रद्धा क्या करेगा? और जब इसका मतलब श्रद्धा में अंतर आ गया। श्रद्धा में यदि कोई तुम्हें थ्रेट करे तो आपको FIR लिखाना चाहिए कि नहीं लिखाना चाहिए? लिखाना चाहिए। तो आपने कभी मम्मी की FIR लिखवाई थाने में जाके? क्यों? आपको तो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, बाकायदा व्हाट्सएप पे घुमा देना चाहिए, मी टू। आपको तो मोबाइल उठाकर मम्मी की वीडियो बनानी चाहिए, मम्मी क्या क्या बोल रही है, और वह थाने में जाके बोलना चाहिए देखो इस दुनिया में मेरी मम्मी से खतरनाक नहीं, मुझे गनर दिया जाए रक्षा करने के लिए, मम्मी से बचाओ। लेकिन आज तक इंडिया में, अमेरिका में तो बहुत रिकॉर्ड लिखाती है क्योंकि असली मम्मी लापता हो जाती है। हो सकता है असली पापा लापता हो, तो वहां तो मम्मी ने भी कुछ कहा तो हेल्पलाइन का बटन ही होता उनके, आपने है नहीं पता नहीं अभी तक, तो उनके तो है, उन्होंने बटन दबाया और पुलिस आई और अरेस्ट। लेकिन मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, तो ज्यों का त्यों सरदाना मतलब क्या हुआ? क्यों जानता तो है कि मम्मी नाराज है, ये भी जानता कि आज मम्मी बहुत गुस्से में तो पिटाई करेगी, ये भी मालूम है, लेकिन एक श्रद्धा पक्की है कि हड्डी नहीं तोड़ेगी। भले उसने धमकी दी है कि मार डालूंगी, लेकिन वो मार नहीं सकती। इसको हटा बेटे, बीच में है ना ये माँ, इसका तो समझ, इतनी श्रद्धा है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर तुमसे कहेंगे ये जीव राग का करता है, जानना तो सही माना नहीं, लेकिन इसको मैं अभी से नहीं कहती हूँ, नहीं तो आप उल्टा समझोगे। देखो आगम पर तो प्रोसेस, आगम में लिखा है जीव रागी है, जीव राग करता है, जीव राग को भोगता है, राग के कारण जीव चतुर्गति में घूम रहा है। और जो पंडित जी क्या बोल रहे हैं पहले लाइन पर, जानना तो लेकिन मानना नहीं। आप समझ रहे होगे मैं कितनी टेढ़ी खीर वाला प्रोसेस कर पाऊंगा, मैंने एकदम कंट्रोडिक्टरी है ये। मैं कहूंगा जानो और मानो नहीं। ज्ञान और श्रद्धा के बीच में थोड़ी सी एक अद्भुत अद्भुत संधि है जैन साधन की। जो लोग इसमें सियाद बात नहीं लगाएंगे उन्हें समझने में तकलीफ आई है और आएगी। क्या बोला मैंने? जो इसमें सियादवाद का फार्मूला सेट नहीं कर पाएंगे वो इसमें तकलीफ पा रहे हैं और पाएंगे। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें सियादवाद लगा के दिखाऊं। मैं दोनों ही बात सिद्ध करूंगा कि जीव रागी है, जीव राग का करता है, लेकिन श्रद्धा क्यों नहीं करना ये भी मैं सिद्ध करूंगा। क्योंकि अभी आश्रम का मामला नहीं आया इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैं कल पूछूंगा आपसे पूरे 10 दिन तक मैं किस पंक्ति, किस वाक्यांश पर, वाक्य भी नहीं वाक्यांश पर प्रवचन कर रहा हूं। कौन बताएगा? हाँ, ज्यों का त्यों सरधानो, जानो नहीं कही, श्रद्धा करने के लिए कहा है। बराबर है? कठिन तो नहीं लग रहा अभी तक? कोई कठिन तो नहीं हुआ। तत्वा श्रद्धानम सम्यग्दर्शन, तो तत्वार्थ को जानो। और दौलतराम जी कह रहे हैं ज्यों का त्यों सरधाना। तो बस जितनी भी जानकारियां आपके पास और भी हों आप मुझे लाके दे देना, मैं एट ए ग्लांस पर्दे पे दिखाने की कोशिश करूंगा, फाइनल नोट्स भी देने की कोशिश करूंगा आपको, बराबर है। चलो आगे चलो। अब ज्यों का त्यों अर्थ करने के लिए अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? अमृतचंद स्वामी कहते हैं विपरीत अध्यवसान रहित अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का विपरीत अभिनिवेश। अच्छा, अभिनिवेश शब्द थोड़ा सा वर्ड है जिसकी चर्चा करेंगे अपन, और इस चर्चा को ज्यों का त्यों सरधानों के अर्थ में करूंगा मैं। ज्यों का त्यों सरधानों ये सरल तरीका है थोड़ा बताने का, लेकिन टेक्निकल वर्ड है अभिनिवेश, और वो भी कौन सा अभिनिवेश? बोलो बेटे कौन सा? विपरीत अभिनिवेश को रहित। अब विपरीत अभिनिवेश की मेहनत करूंगा मैं, चिंता नहीं करना। ज्यों का त्यों सरधानों कहो या विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वों का सच्चा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, बराबर है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सम्यक दर्शन का अर्थ लेना है पहले। सम्यक दर्शन शब्द सब कुछ सरल है। सम्यक दर्शन में दो शब्द हैं, सम्यक और दर्शन, याद रहेगी बात। सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब एक बार समझते हैं जितना इसमें थोड़ा भाव भाषण है आपको, लेकिन मैं बच्चों की भाषा में बोल रहा हूँ। सम्यक माने प्रशंसनीय, सम्यक प्रशंसा सूचक शब्द है। क्या बोला? सम्यक कैसा है? प्रशंसा सूचक है। सम्यक कैसा है? जोर से बोलो, ठीक। अब सम्यक माने प्रशंसा सूचक, प्रशंसनीय, और दर्शन माने श्रद्धान, याद होगा। दर्शन मतलब श्रद्धान। यदि आप घर जाके नोट करने की कोशिश करना इनको, चार चार जने बैठ करके जितने परिवार के लोग हों, एक एक शब्द जो बोलता जा रहा हूँ लिख लें आप, और फिर भी नहीं लिख पाएंगे तो कल एक बार फिर लिखाऊंगा मैं, आप परीक्षा में आएंगे ये सबसे। ये बहुत काम के वर्ड्स हैं जिनकी मुझे चर्चा करना है। सम्यक मतलब, सम्यक मतलब प्रशंसनीय, और दर्शन मतलब श्रद्धान। श्रद्धान कहिए, विश्वास कहिए, प्रतीति कहिए, अहम कहिए, ये सब पर्यायवाची नाम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सम्यक मतलब प्रशंसनीय, आगे प्रतीति, अहम, विश्वास, श्रद्धान, एक ही बात है, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, कैसा श्रद्धान प्रशंसनीय है, उल्टा कर रहा हूँ जरा, कैसा श्रद्धान प्रशंसनीय है। अब कैसा श्रद्धान होगा? तो जैसा आपका श्रद्धान है वो तो प्रशंसनीय नहीं, पहले हम यहां से ले रहे हैं। जैसा आपका श्रद्धान है वो तो प्रशंसनीय नहीं है। जैसे जैसे तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8वीं। तुम लड़का हो कि लड़की हो? हैं? लड़का। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? शैलन कुमार जी, ठीक। ये श्रद्धान तो प्रशंसनीय नहीं है। ये श्रद्धान तो प्रशंसनीय नहीं है, जानना अलग बात है। ज्यों का त्यों, अब समझ आए थोड़ा सा? मैंने देखो जानो और मानो के बीच में, मानो की प्रशंसा करेंगे, श्रद्धान की प्रशंसा करेंगे, बराबर है, कोई बात नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे? 1915। क्या बोली? अच्छा, 19 मई डेट ऑफ बर्थ, और ईयर 2004, बराबर है। कितने साल के हो गए आप? 4 से लेकर 14 के हो गए, बराबर है, 14 के हो गए है ना। इसके पहले कहाँ थे तुम? मुझे देखे ना कि ये श्रद्धान प्रशंसनीय नहीं, दोबारा पूछिए ना, याद रह जाएगा आपको, ये श्रद्धान प्रशंसनीय नहीं है। अब बात बच्चों की नहीं, मैं बड़ों से ही पूछूं, आप जॉब करते हो कि बिजनेस? सब बिजनेस है, आपको पता फिर भी पूछ रहे हो आप। अरे क्यों आप हजारपति हो कि लखपति? क्या इंसल्ट कर रहे हो, मैं करोड़पति हो। आप हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हो भरी सभा में? भैया तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हो। कुछ कहा मैंने? बुरा तो नहीं लग रहा? मैं क्यों डर रहा हूं? बोलता तो हूं धीरे से थोड़ा। चले, आपकी पत्नी आपकी कभी प्रशंसा भी करती है कि निंदा निंदा करती है? बस सैलंग का नाम लेके ये बंद नहीं, तुमसे भी पूछ रहे। मैं क्या कहां पर पॉइंट आउट करा रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? कि आप तीन लोग के नाथ हो, आप अपनी इंसल्ट खुद करती हो और पत्नी करती तो भर जाती। पंडित जी पत्नी कहती आई लव यू, आई लव यू करे, वो तुम्हें जानती भी है, जानती भी है। लेकिन मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मुझे तो कहना ये है कि ये प्रशंसनीय नहीं है, बस ये कहना है। देखो मैं जानता हूं ये सब मीनिंग आप जानते हो, आप इसे पढ़ के निकल जाओगे, आप कुछ रट लोगे। सम्यक माने प्रशंसनीय सिद्धांत, सम्यक सिद्धांत माने सम्यक दर्शन माने प्रशंसनीय सिद्धांत विश्वास। तो हम अपन अपने आप को चेकआउट करो भाई। एक बार बताओ, अनंत भगवान सर्वज्ञ है और वो तुम्हें भगवान कहकर पुकारते हैं, मालूम है? हूं परमात्मा छू एम नकीकार, विदेह क्षेत्र में श्रीमंधर देवा। भक्ति गाते हो, भगवान कहीं ने बुलाए रहो रे। तुम्हें क्या बुलाया उन्होंने? घर में कोई तो भगवान के बुलाते हैं। अब कमाल की बात हो गई, विश्व में ऐसा कोई प्राणी हो जो अपनी निंदा सुन के खुश हो रहा है। पंडित जी मेरा बेटा जब पापा कहता है तो आनंद आ जाता है। लेकिन भैया तुम भी उसे नहीं पहचान पा रहे और वो भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। तुम दोनों का विश्वास प्रशंसनीय नहीं है। बराबर समझ में आ रही बात? सरल करो थोड़ा सा बात सरल। ये गोरा सुंदर बच्चा मंच पर नाटक करने आया और अमावस की रात का दृश्य था, तो सारे पंडाल की लाइट बंद और मंच की लाइट भी बंद, झिंगरों की आवाज, सन्नाटे की आवाज, पत्ते के खड़खड़ाने की आवाज, और इतने में काली लाइट जगमगाई मंच पर। अभी मेरा पूछना ये है कि वो बच्चा गोरा रंग का है, सफेद कपड़े पहने हुए है, उसकी मम्मी सामने बैठी है और भी सब बैठे। मम्मी को तो पता ही है कि आज मेरा पप्पू को क्या करना है, मेरा बेटा आज कौन सा रोल प्ले करने वाला है, तो उसे तो पता था। अभी सभी लोग भूत समझ गए उसको, भूत, और डर गए। ये क्यों डर गए? क्योंकि इनका सिद्धांत सच्चा है। अभी बेचारा काला काला देख, कैसा काला लड़का, काली स्किन, काले कपड़े, अरे काला, ये सिद्धांत सच्चा नहीं है। सारे के सारे लोग मिथ्या दृष्टि हो गए, भयभीत हो गए, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन उसकी मम्मी मुस्कुरा रही है क्योंकि उसका सिद्धांत सच्चा है। क्या सिद्धांत सच्चा है? कि मेरा बेटा काला नहीं है, डरावना नहीं है। वो इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कि सबको भूत लग रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, महिलाएं और सब दर्शक घबरा रहे हैं। किसी को नहीं मालूम किसी का पप्पू है ये, और ये मुस्कुरा रही बैठे बैठे। यदि दिन का टाइम होगा तो पॉपकॉर्न खा रही आराम से। अभी वो बच्चे को सब लोग क्यों डर रहे हैं? यदि मैं लंबी पिक्चर नहीं करूँ, शॉर्ट कर दूं, फटाफट असली लाइट आ गई, क्रम क्रम से दो चार लाइट बदली, असली लाइट आ गई। तो अभी मैं पूछता हूँ, सभी लोगों ने ऐसा समझा, ध्यान सुनना थोड़ा देर, सभी लोग ये समझे, उनकी मान्यता ये हुई, उनका विश्वास ये हुआ कि ये बेटा अभी काला था और अब इन लाइटों की वजह से सफेद हो गया। ये सिद्धांत सच्चा है। अच्छा बताओ, काली लाइट से काला हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। और पीली लाइट से पीला हो गया था, और लाल लाइट से लाल हो गया था। पक्का बोला? है बराबर कर रही तो जी। अब अक्कल आई हो जी। सिद्धांत प्रशंसनीय ये सिद्धांत प्रशंसनीय है। ये जो चार तरह की लाइट जगमगा रही थी, वो असली लाइट जली आई पाओगी तो झोंका त्यों दिखने लगा, झोंका त्यों दिखने लगा। तो लोग ये समझ रहे थे इसमें लाइटों की कृपा है, लेकिन माँ को सम्यक दर्शन क्यों हुआ? मेरा बेटा एज इट इज जैसा पहले था जैसे अभी भी है, न सफेद लाइट का कमाल है इसमें कुछ, न काली लाइट की वजह से मेरा बेटा काला हुआ। अब बोलो किसका श्रद्धांत प्रशंसनीय हुआ? बोलो मम्मी का या और सबका? अब मैं फिर से कहता हूँ, आपको औधी भाव की लाइट चल रही है, इसलिए आप सेठ कहलाते हो, पुरुष कहलाते हो, स्त्री कहलाते हो, गरीब कहलाते हो, अमीर कहलाते हो, बेटा कहलाते हो, और बोले जाओ जो जो बोलो, इंटेलिजेंट कहलाते हो, डब्बू कहलाते हो, और बोले जो जो कहना है, रागी देसी कहलाते हो। ये सब लाइट है। लेकिन जिरवाणी माता कहती है कि मेरा भगवान आत्मा। ये है प्रशंसनीय संतान। समझ आए कुछ? तो तुम लड़का हो कि लड़की हो? हाँ जोर से, कुछ जोर से करो। भगवान आत्मा। अब पापा कहेंगे बेटा, तो तुम्हें अंदर क्या लगना चाहिए? बेटा। ये तो लाइट की तरह से देख के कह रहे पापा बेटा, मैं कौन हूँ? अब जी प्रशंसनीय श्रद्धा हो जाए। करना है प्रैक्टिकल, ऐसे करना है। बोला दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है। मैं बहुत गहराई से लेना चाह रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, प्रैक्टिकल एकदम। अक्सर भारतीय कल्चर में बाप बेटे की मुठभेड़ होती है, नहीं? जब देखो जब डांट फटकार, तू बेवकूफ है, अक्खर वैसा वैसा, लगभग भारतीय कल्चर में पिक्चर ऐसी चलती है। अब कमाल की बात यह है कि कभी कभी मैं पिताजी तारीफ भी करते हैं, जैसे नहीं कभी कभी तो करते हैं। तो जब वो प्रशंसा करते हैं तो भी बच्चे को आनंद नहीं आता। क्यों आनंद नहीं आता? कह रहे हैं अच्छा हूं, मैं तो वही गधा हूं। तो वो मुझे कहना है, इसी वो अच्छा कह रहे हैं, उस समय भी वो अच्छा अनुभव नहीं करता। बस ये हालत हमारी आपकी है। जिनवाणी माता कह रही तुम भगवान हो। हाँ, सही है सही है, सही नहीं। वैसे अपन तो आदमी भैया, कर्मों के मारे हैं, कर्मों के सताए हैं, गरीब आदमी। क्यों चार रोटी कमा कर खा रहे हैं बस, मैंने क्या कमाल। जिनवाणी माता तुम्हें भगवान कह के बुला रही हो, व्यास कह के बुला रही हो, भाभी सिद्ध कह के बुला रही हो। आपके चेहरे प्रसन्नता क्यों नहीं आती? ऐसी बात सुनकर ऐसी बात सुनते थे कह बड़ी सही कह रहे हो, मैं भगवान हूँ। इतनी खुशी होनी चाहिए घर जाके तुम्हें। मैंने जैसे गुदगुदी होती है, गुदगुदी समझते हैं क्या कहना चाहिए इंग्लिश में, मुझे पता नहीं। एक्साइटमेंट बड़ा। तो घर में फिर पत्नी बोले क्या बात है आज कमाई ज्यादा हुई? अरे असली कमाई आज ही हुई। बोले क्या तुझे खबर है मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे दो चार भूमि बहुत जा रहा हूँ। अब एक्चुअली हम इतना कनेक्ट नहीं करते नहीं शब्दों को। तो प्रवचन सुनते समय बिल्कुल ऐसे सुनते, देखो भाई अपन मुमुक्षु है, अपना मंदिर है, अच्छा नहीं लगता, कम से कम 10-5 लोग तो आओ, अच्छा लगा कम से कम। जिनवाणी कौन के लाने बताओ, मंदिर कौन के लिए आना चाहिए। तो अपन भी आ जाते टाइम से, पता नहीं कितने टाइम से आते, कच्चे लोग बाद में अच्छे होंगे, और आखिरी तक होते रह जाते होंगे। मुझे नहीं मालूम कितनी संख्या होती है आगे, आज से तो कम ही होती होगी मेरे ख्याल से ना। तो फिर वक्ता को भी बार बार प्रेरणा करनी पड़ती होगी, आया कर। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली हम कनेक्ट नहीं करते। यदि मैं आपको अभी वाक्य बोल दूँ, मैं नहीं बोलना चाहता, बस सुन लो क्या। यदि किसी को देख के बोलूंगा तो बहुत जल्दी कनेक्ट होगा, सम्यक दर्शन 1 सेकंड में हो जाएगा। एक व्यक्ति का नाम लेके मैं कहूं कि चोर है, एक सेकंड में पूरे चेहरे का रिएक्शन देखो आप, पूरी बॉडी का रिएक्शन देखो। अरे उनको तो छोड़ो, उनके रिलेटिव बैठे हो ना, मम्मी पापा, पंडित जी ने मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा, देखो कितनी कनेक्टिविटी है। और हम कहते सचमुच बेटे सचमुच तुम भगवान हो। हाँ, समझ शादी में लिखा इसलिए कह रहे आप, बस ये गड़बड़ हो गई, बस ये सिद्धांत तुम्हारा प्रशंसनीय है। मैं दृष्टांत नहीं दे सकता हूँ, वो तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। पापा तुमको आई लव यू सन कहते हैं, कहते नहीं कहते, हिंदी में कहते होंगे तो कहते, तो उस समय तुम्हें ऐसा लगता है हाँ हाँ ठीक है, आप निश्चय में इसे कह रहे हो ठीक है। कोई बोलता है ना क्यों, जब आपको गुड बेटर बेस्ट मिलता हुआ कुछ कॉपी में ये तारीफ करती हो फर्स्ट रैंक, तो उसको आपको ऐसा लगता है हाँ वो मार्क्स शीट पे लिखा है ना एक डंडा इसलिए हमको फर्स्ट कर, ऐसा लगता है आपको, आपको मार्क्स शीट की महिमा आती है, अपनी महिमा आती है। ये है कनेक्टिविटी। अब समझो विपरीत अभिनिवेश रहित जानने का मतलब क्या होगा। बहुत जल्दी दृष्टांत, आज दृष्टांत कर देना थोड़ा, वैसे मैं अभिनिवेश समझा रहा हूँ, विपरीत अभिनिवेश कैसे रुकेगा। घर में गेस्ट आते हैं अपने साथ, घर में अब चूंकि आधे घंटे के लिए आते हैं तो उनके साथ जो तूफानी बच्चा आता है ना, तूफानी बच्चा, अपन मना नहीं कर सकते कि तूफानी बच्चे नॉट, क्या लिखा रहता है, नॉट अलाउड, तूफानी बच्चे आर प्रोहिबिटेड। अब ज़्यादा लिख तो नहीं सकते, अब आगे आधा एक घंटा रहना है, लेकिन तूफान मेल होता है ना, वो तो बैठ नहीं सकता शांति से, सोफा पे चढ़, धक्का दे, दरवाजा खोल, खिड़की खोल, पर्दा खींच, कहो तो पर्दे से ही नाक पहुंचते, मतलब बहुत तूफान मचाता है। कोई चीज रख दी जाए तो उठाने लगे तो पहले ही पटक दे, खाने तो मांग ले, ऐसे बहुत तूफान। तो अब अपनी भारतीय कल्चर में बहुत अच्छा तरीका है, अपना बच्चा जो कि बिल्कुल तूफानी नहीं है, अपन अपने बच्चे को डांटते हैं, हड्डी पसली तोड़ दूंगी उस पर चढ़ाता हूँ। यदि तुम्हें एक बूंद पानी भी ढोला ना, समझ लेना, तो अब जी बेचारा सीधा साधा भोला भाला, जी बेचारा रुआसा हो गया, हमारे खनियादानों की भाषा में, बिरिशा की भाषा में रुआसा हो गया जी। तो मम्मी समझ गई जी, नहीं समझ पाया तो मम्मी ने इसे इशारा किया, ये रोने लगा, हमने क्या कर, हम तो शांति से बैठे, इनसे कहो। तो मम्मी अब बस इतने समझाना इशारे हूँ कि मम्मी इसको देखिए सर, मतलब मम्मी इशारे से समझाती, तेरे से नहीं कह रहे, कह तो उसी से रहे। अब जब एक मेरी बात पकड़ना है ना, पकड़ गए ना, तो ये बच्चा एक बार में सम्यक दृष्टि हो गया। अगली बार कितने तूफान मेल आए, और मम्मी जब भी उसे चिल्लाएगी उनके सामने, विश्व के कोई से भी क्वालिटी के बच्चे हैं खराब से खराब, मम्मी इसी पर बार करेगी, लेकिन ये बच्चा सम्यक दृष्टि हो गया, चाहे जितना चिल्लाए मैं हड्डी पसली तोड़ूंगी, तो वो बच्चा बोला तेरी मम्मी कितनी खराब है, तो जी अंदर अंदर मुस्कुराए, कितना बोल रही है, कितना चिल्ला रही है, तू कैसे रहता होगा इस मम्मी के साथ। लेकिन बच्चा 1% भी संदेह नहीं करता, इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत। एक अकाली ज्ञाय परमेश्वर तत्व जिसे हम जीव तत्व कहने जा रहे हैं, जिसकी विस्तार से पढ़ाई कल कराऊंगा जीव तत्व की, ये जो जीव तत्व है त्रिकाली ज्ञाय भगवान आत्मा, ये अनादि काल के आसर के बीच में, मोह के बीच में, राग के बीच में, कसाय के बीच में, क्लेश के बीच में, अनंत दुर्गतियों के बाद भी ऐसी चीज है। अब तुम्हें हम कितना ही कहते कि आसर गंदा है, चार गति गंदी है, कसाय दुखरूप है, तुम्हें मिथ्या बहुत रुलाएगा, तुम्हें पाप बहुत रुलाएगा, तुम्हें हम चाहे जितना कहें, तुम एक बार याद रखना कि जीव तत्व ऐसी चीज है, तुम्हारी मट्टी पलीत हो जाएगी, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुमने कितने दुख भोगे हैं और कहाँ जाओगे, तुम्हें कुछ भी कहें, तुम ये बात ध्यान रखना। जैसे ये बच्चा एक बार में सम्यक दृष्टि हो गया, नहीं हो गया, आप कितनी बार भी सम्यग्दर्शन हुए, ईमानदारी बताना इस घटना में आपकी घटना घटी होगी, आप छोटे होंगे, सिरोज में घटी थी कि यहीं घटी, कहीं ना कहीं तो घटी। बामोरा में नहीं, बामोरा नहीं, हाँ कोटा में हुई। आप तो बामोरा में हुई होगी आपके साथ। तुम्हारी क्या हुई थी हमको यही, बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। वो जो एक बार मिल जाती है ना इशारा, फिर अपन समझदार हो जाते हैं। ऐसे हम आपको समझदार बनाना चाह रहे हैं। जिंदगी में आज के बाद कभी भी तुम्हें रोना नहीं आएगा, घबराना नहीं आएगा। आप करना नहीं पढ़ लेना, पंच परावर्तन पढ़ लेना, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लेना। लेकिन आज की इतनी याद रखना कि जीव तत्व ज्यो का क्यों है। हम करता कहेंगे, तुम अकर्ता देखते रहना। बस सम्यक दर्शन की स्टाइल आ गई इसमें। इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश रहित। जो लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ाऊंगा अभी आश्रम की चर्चा आएगी। जब आश्रम की चर्चा आएगी, 70 कोड़ा कोड़ी ऐसे नहीं पढ़ना। मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं पढ़ना। पंच परावर्तन की पढ़ाई हुई और 10-5 लोगों को आंसू आ जाए, 10-5 लोगों को रोटी ना भाए, तो पढ़ाने वाला क्रक करते हो जाता, आज सही पढ़ाई हुई। ये सही पढ़ाई नहीं है। जिलमानी माता किसी भी कंडीशन में किसी को आंसू पहुंचती है, बहाने के लिए बात नहीं करती है। और एक बात बता दूं, इमोशनल होने से आज तक ये भी सम्यग्दर्शी नहीं हुआ। जो इमोशनलिटी हो भी जाए ना थोड़ी बहुत, मरगढ़ में शमशान बैराग जैसा, उससे कुछ हुआ भी नहीं आज तक। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा। तो विपरीत अभिनिवेश में अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा की, बाद में और करेंगे। प्रशंसनीय सिद्धांत कैसा है, विपरीत अभिनिवेश रहित है और ज्यों का त्यों सिद्धांत। याद हो गई होगी इतनी बात। चलिए आगे मैं लेता हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। 2 पॉइंट और रह गए बस, इसके बाद अपना टाइम जब पूरा हो जाएगा मैं कर दूंगा, है ना। एक गजब बात, पॉइंट पकड़ना। टोटल मेरे सामने लिखा है, आपको मिलेगा इसमें। 7 तत्वों का ज्ञान होने के बाद भी आभास मात्र को सम्यक दर्शन नहीं कहते। क्या बोला मैंने? आभास। अब मुझे फोकस करना है आभास। कहीं पर आभास का मीनिंग समझते तुम लोग हिंदी में? समझते? क्या बता सकते हो एक दृष्टांत देंगे? नहीं बोलेंगे बेटे? ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल। तो मैं आभास का मीनिंग बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। एक ही डायलॉग दूंगा, उसमें आपको दृष्टांत समझना। आभास किसे कहेंगे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ आभास मात्र को सम्यक दर्शन नहीं कहना है, आभास मात्र को मिथ्यात्व कहना है। तो आभास का मीनिंग कहता हूं, जैसे ये मेरे पिताजी जैसे लगते हैं। आभास का क्या मतलब निकला इसमें? ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, ये समझ गया, ये मेरे पिताजी जैसे लगते हैं। सभी पॉइंट पकड़ना, मैंने बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। जिंदगी भर इसे चेक करना कि आभास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो आभास बैठेगा, और आवाज बना रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगा, स्वानुभव नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, आवाज का एग्जाम्पल तो एक ही पर्याप्त है। तत्वार्थ सूत्र में दृष्टांत दिया है आवाज के लिए, जैसे रस्सी में सर्प का आभास होगा। रस्सी हो नहीं, रस्सी देखी है आजकल आपने? रस्सी नहीं देखी होगी? नहीं देखी। रस्सी वो पतली नायलॉन की नहीं, पानी चूसने वाली रस्सी, वो जूट वाली देखिए तो भागशाली है। पंचम काल में रस्सी नहीं बचती, वो कुएं में से पानी निकालने वाली। तो वो मोटी रस्सी होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, जब रस्सी काट के लाते हैं ना बाजार से खरीद करके, तो छोर में से सूचना निकलने लगती है। तो उस सूचना को रोकने के लिए क्या करते हैं, गांठ बांध देते हैं। जब गांठ बांध देते हैं ना, तो उसका आकार ऐसे बन जाता है, सांप जैसा, और आगे छूटने निकलते वो उसकी जीव होती है। यदि अंधेरे में टंगी हो तो रस्सी लपेटी हो, टंगी होगी, तो एक पूंछ नीचे गिरी रहेगी, नीचे निकली हुई, और एक जो एक छोर होगा वो गांठ होने के कारण मोटी निकलेगी और अंदर से छूचना निकलेंगे उसके। देखिए निकलेगी गांठ होगी उसकी वो निकल रही, तो ऐसे निकल रहे हो। तो अब लड़की अब अंधेरे में आप गए, तो अंधेरे में आपको देखते से ही रस्सी में सर्प का आभास हुआ, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, डर लगेगा। लेकिन अब मैं फिर से पूछता हूं, रस्सी में सर्प का आभास हो तो आप रस्सी उठाने जा सकते हो कि नहीं जा सकते? मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बाणी पकड़ो आप, मैं स्पष्ट कर रहा हूं ना। रस्सी में सर्प का आभास हो तो रस्सी उठाने जा सकते कि नहीं आ सकते? भाई साहब आपको तब पता कहां था कि रस्सी में सर्प है, तब तो आप सर्प मान रहे थे। अब तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं, रस्सी में सर्प दिख रहा है, उठा सकते कि नहीं उठा सकते? कोई पकड़ में आए कुछ? थोड़ी सूक्ष्म बातें पकड़ो तो। सभी लोग बहुत ध्यान देना इस पॉइंट पर, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है इस पर। जितने लोग स्वाध्याय करते हैं उन्हें आभास होता है, मुझे तो तत्व का बहुत ज्ञान है, मैं तो अकारण परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं करता धरता काम हूँ। जी आभास है। आभास से क्या गड़बड़ हो जाती है, अब वो रस्सी उठा नहीं पाओगे आप। पॉइंट पकड़ में आना कुछ? यदि आपको सम्यक दर्शन का आभास हो जाए, मिथ्यात्म नहीं, तो आप सम्यक दर्शन की ट्राई नहीं करोगे। कुछ कह रहा हूं, बहुत बड़ा बात बोला मैंने। यदि आपको मिथ्यात्मी सम्यक का आभास हो जाए तो आप सम्यक दर्शन की ट्राई नहीं करोगे। फिर आप मानो क्या करोगे? अरे हम 60 साल से सुन रहे हैं, हम तो सब जानते हैं, हमें तो सब याद है, हम तो विचार करते हैं। कुछ पे अटक गया ना, चुप हो गया। जो विचार करता है वो आभास वाला है। आपकी खुशी का आधार विचार है, आवाज है आपका। ये सुनो, जहां प्रतीति होती है वहां विचार नहीं होती। सुनो पकड़ो पूरी तरह से। विचार तो होते हैं लेकिन विचार के बल पर नहीं होता वो आनंद। मैं सिद्ध करता हूं, पकड़ो बेटी, बहुत काम की बात है। फिर से बोलता हूं, नहीं समझ में आया तो पूछना, सभी लोग ध्यान से समझो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको आनंद है तो आनंद विचार के बल पर होता है। आनंद में विचार तो हो सकता है लेकिन विचार के बल पर आनंद नहीं होता है। डायलॉग बोलो बेटे। आनंद में विचार हो सकता है लेकिन विचार के बल पर आनंद नहीं होता है। आनंद होने पर विचार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आनंद अवश्य होगा। तो विचार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन विचार हो, इससे आनंद का कोई रिलेशन नहीं है। मैं जानता हूं आप लोग अभी इसकी गहराई में नहीं गए, मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं। देखो दृष्टांत, आपको आनंद कब आता है? पत्नी का आनंद कब आता है? जब आप विचार करते हो। बाकी टाइम नहीं आता। तो पत्नी ने पूछा, क्यों? अभी तो तुम बड़े आनंद में दिख रहे हो। और ये मैं तुम्हारे विचार करता था, इसीलिए आनंद। और जब विचार नहीं करते तब कैसे हो जाते हैं? ये एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत देता हूं, चलो। करोड़पति का आनंद कब आता है आपको? करोड़पति का आनंद कब आता है? जब नोट गिनते उसी समय, जब पासबुक में एंट्री देखते हो उस समय। अरे बोलो, करोड़ रुपए का विचार होता है तो आनंद होता है, या करोड़पति का आनंद सदा चलता रहता है और विचार कभी कभी होता है? पकड़ में है पॉइंट? अब जो व्यक्ति कहता है आज मैंने 1 घंटा विचार किया इसलिए आनंद आया, तो आवाज नहीं हुआ। आवाज नहीं हुआ। बोलो, जब आप कहते हो पंडित जी 10 दिन से वो खुमारी नहीं आ रही, 10 दिन से वो चिंतन नहीं चल रहा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैंने वो गाथा भी, छठी गाथा पढ़ी मैंने, गुरुदेव को भी आज सुना, वो आनंद नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा। 1 दिन आनंद आएगा, 1 दिन ढोल, वो 1 दिन भी तो ये आवाज नहीं था। एक बार शादी हो जाती है ना, फिर जिंदगी में कुंवारेपन की याद नहीं आती। वरना वो विचार कर करके कुंवारापन दूर करता। नहीं 25 साल का एक्सपीरियंस 1 सेकंड में कैसे चला जाएगा? नहीं जाता ना, तुम्हारी हुई नहीं होगी, नहीं इसी पता नहीं 25 साल का कुंवारापन और शादी हुई, समझ लो 6 राउंड लगे और शादी छूट गई, तो कुंवारापन रहता है कि चला जाता है? बोलो, रहता है। और 7वां राउंड कंप्लीट हो गया तो 7वें राउंड में कितने मिनट लगे? 1 मिनट, 2 मिनट। इसके बाद जिंदगी में तुम्हें विचार करना पड़ता है, क्योंकि 6.5 नहीं लगा है, 7.25 नहीं लगा है, 7 लग गए इसलिए कंफर्म विचार करना पड़ता है। अरे विचार नहीं करना पड़ता, और मैं शादीशुदा ही हूं, ऐसे अनादिकाल का मिथ्या ये समय में जाता है, विचार कर करके नहीं जाता है। आनंद आता है तो विचार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसे आनंद बना रहता है। ऐसे ही आनंद करने वाले को साथ कब तक आलम्बन लेगा? हो घर गृहस्थी भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार धंधा है, सारा काम है, लेकिन उसका आनंद खत्म नहीं होता। बहुत दृष्टांत दे दिए, और दृष्टांत दूं, बता जो लड़का फर्स्ट पास हुआ हो वो दिन भर विचार नहीं कर सकता, फर्स्ट पास हुआ, लेकिन वो खुमारी कभी टूटती नहीं है। 50 साल बाद भी पूछेंगे ना हायर सेकेंडरी का रिजल्ट, अपन ने जमाने में हायर सेकेंडरी थी ना, आपकी तो, मेरी भी हायर सेकेंडरी थी 11th, हमारे बाद 12th शुरू हुई M.Com करने के बाद। तुमने तो करी होगी 12th। अब जैसे 12th करें तो अपना रिजल्ट कैसा दिखाई देता है? अब वो अब समझ तो बहुत दिन हो गए, 15-20-25 साल हो गए, 12th करे तो बहुत समय हो गया, 30 साल। तो अभी 30 साल में कितनी बार रोज सोचो, हाँ 12th का रिजल्ट में इतना परसेंट, 10th में इतना, इसमें सोचना पड़ता है। वो खुमारी चली गई, पॉइंट पकड़ में आया, कुछ काम है कि समझ में आया? जो इस कहता है मैं पढ़ करके आनंद लेता हूँ, पूजा करके आनंद लेता हूँ, विचार करके आनंद लेता हूँ, सत्संगति करके आनंद लेता हूँ, वो व्यक्ति आवाज वाला है। फिर से बोलूं, आवाज वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा, लेकिन जिसको आत्मा का आनंद हुआ है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। आवाज और उसका अंतर समझ में आ गया थोड़ा सा? टोटो मेरे सामने क्या कि सब चुन के रखे, मैंने इसलिए वो सिलेक्ट करके लाया था लिख करके, एक शब्द की चर्चा करनी है अपने को, इतना अर्थ मैंने वहां नहीं खोला, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बीच में बड़ी प्यास थी, मैं पढ़ा ही नहीं पाया पूरा। अब तुम आप समझोगे तो आवाज का मतलब समझिए, जिसको आवाज होता है, अरे वाह तुम क्या समझते हो, हम 50 साल से साथ पढ़ रहे, सुन तेरा बोलने की स्टाइल बता रहा, तुझे अहंकार झूठा है, तुझे मिथ्यास होने पर भी तू सम्यक दृष्टि जैसा तुझे लगता है, नहीं देखो आवाज। आवाज का मतलब पर के बल पर यदि कोई आनंद आ रहा है तो तुम्हें सम्यक नहीं है, वो प्रशंसनीय नहीं है, बराबर है? अब अंतिम पॉइंट, ये जो आवाज मिलता है ना, और अहम होता है, अहम सम्यक दर्शन होता है, प्रतीति होती है। कौन कौन शब्द बोले थे बने? अहम, प्रतीति, सम्यक अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश रही है ना, और प्रतीति, अहम, अनुभूति, और भी बोला विश्वास, ठीक है? ये सब शब्द इसके, ये पता है 4th गुण स्नान से स्टार्ट होकर के अनंत काल तक रहती है। कब से कब तक रहती है? 4th गुण स्नान से लगाकर अनंत काल तक रहती है। अब आपको पता है कितना बड़ा काम होने वाला है, 7 तत्व का सच्चा संतान हो गया आज तो। मैं देखो एक बात कहता हूं, मैं पहले से कहता हूं, हालांकि ये अपनी मजबूरी है कि पाठशालाओं में ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, प्रवचनों में भी ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, शिविरों में ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, सैली के लिए नहीं सुनेंगे, सुमत प्रकाश जी आए इसलिए नहीं सुने, अपना मोटिव होना चाहिए। हमारा मोटिव है लाइफ का कुछ, ये जिम्मेदारी सुनने का हमारा एक उद्देश्य है कि नहीं इस बार हम प्रतीति करेंगे। पापा तुमको बेटा कहेंगे तो क्या मानोगे तुम? हैं? लड़का की लड़की क्या मानोगे? जड़ का मानोगे, तुम्हारा सब ध्यान प्रशंसनीय नहीं है। क्या मानोगे? अभी आपकी पत्नी आपको हस्बैंड कहेगी, हस्बैंड तो आजकल नहीं बोलते, ए जी ओ जी बोलते, क्या बोलते, नाम से नहीं लेते। चौथे काल वाले होंगे तो नाम नहीं लेते होंगे, पंचम काल के तो छूट नाम लेते होंगे, ओ महेश कम ऑन। आजकल चलो अच्छा लो पंचम काल लग गया होगा। हमारा तो कहने मतलब ये है। तो वो अच्छे से भी बोले तो आपकी प्रति से ये बोलनी चाहिए, नहीं इनको नहीं मालूम, इधर से देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो बोलो सर्वक देख रहे वो सच्चा या पत्नी देख रही वो सच्चा, किसी बात को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आप सोच लेना। आज कितनी बार तो 5 बार प्रैक्टिकल तो आज हो सकता है, सोते सोते तक झूठ झूठी करना कोई बात नहीं, ऐसे चला लेने। लेकिन एक बात तो आप कम से एंजॉय करना इसको। मेरी पढ़ाई तो यही है, जब तक अपन एंजॉय नहीं करें बेकार नहीं, क्या मतलब नहीं। फॉर इन्फॉर्मेटिव तो आप क्या करो, यूट्यूब पे चले आओ, साथ साथ में बहुत मिल जाएंगे, बहुत व्याख्यान मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, यानी क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ एंजॉय करो, ठीक कर लोगे आप 5 बार तो करो मिनिमम कोर्स आज का, फिर कल बताना मुझे। अपने को याद है कुछ पहले अपनी एक लाइन गाई होगी, मैं गाता हूँ इसलिए मुझे याद है गाई होगी, पूरे इंडिया में गाता हूँ, यहाँ भी गाई होगी। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे। मजे नहीं आते ऐसा रोम रोम खेल जाना चाहिए। अरे मैं भगवान, देखो ये तुम्हें नहीं भी पता है ना, तो हम कह रहे हैं ना, आपने ये सोचा हमें नहीं मालूम, पंडित जी ने कहा है, पंडित जी जाने उन्हें पाप लगेगा, उन्होंने कही भगवान हम तो भगवान हैं बस। अरे एंजॉय करो भाई। आपको कैंसर की बीमारी की संभावना थी, कोटा वालों ने कह दी कैंसर, और जैसे क्या कराए कैंसर, और बम्बई गए, अमेरिका गए, अमेरिका वाले ने कहे एक झटके देखते थे रिपोर्ट, नहीं कैंसर किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो आप सही में दुखी होते हो ना? अरे वाह दुखी होंगे। 2 जगह गए, 4 जगह उन्होंने कहा कैंसर, और जे फोकट में कह रहे कि कैंसर नहीं है, तो दुखी नहीं होंगे? इतना पैसा लगाया इसे कैंसर बोलना चाहिए। अरे हम तो उसे कारण भी नहीं पूछेंगे, क्यों कारण समझा प्रोक्शन दे करके गलत रिपोर्ट है, हमें नहीं सब पहले ही झटके में सम्यग्दर्शन होता है। अमेरिका के डॉक्टर के कौन ने कह दिया कैंसर नहीं हो सकता? भाई साहब लिख के चैलेंज करता हूं, एकदम आनंद से भर जाती, आनंद से ऐसे अनादिकाल का मिथ्यात। और जिनवाणी माता के जी तमें परमात्मा थे, वो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हम तो बेकार में पत्नी मान रहे थे, बेकार में पत्नी मान रहे थे, बेकार में हाँ बोल हाँ बेटा मान रहे थे। हाँ अरे मालूम, अरे आनंद हो गया, अरे यार सम्यग्दर्शन जब भी होगा ना एक झटके में होगा, और एक झटके में होगा कोई बहुत, जो लोग कहते हैं ना बहुत लंबी लंबी प्रोसेस है, मिड हो रहे अरे जरूरत ही नहीं है। कितनी सुंदर बात है, ये एक झटके में समझ में आ जाए। ओहो जब आप कह रहे तो बात सही है, ठीक है आप कह रहे, सम्यक ज्ञानी कह रहे, केवली कह रहे। अब दुख कब तक रहेगा पता है? जब तक तुम सैलेंट मानोगे, क्योंकि सैलेंट मानने वाले की तो इंसल्ट भी होगी, प्रशंसा भी होगी, गरीबी भी होगी, अमीरी भी होगी, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, लेकिन भगवान अनुभव करने वाले के लिए कुछ नहीं होगा। करके बता दो कोई हो जाए तो जी भगवान आत्मा अनुभव करने का मजा। बराबर समझ में आई? ये आज अपनी भूमिका हो गई, कल से जीव तत्व की चर्चा शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट एक बार रिपीट करूंगा, प्रवचन तो नहीं करूंगा, लेकिन पॉइंट एक बार इसलिए रिपीट करूंगा कि आप चाहें तो आपका होमवर्क यही है, पेज नंबर 80 से 84 तक पढ़ के आएंगे। कल परसों तक पढ़ लीजिए, आप नसों तक पढ़ लीजिए और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। और जो आज मैंने पढ़ा है ये पॉइंट उनकी चर्चा जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभिनिवेश, योगात्मसरदानों, आवास, तत्वार्थदान में होते हैं। बस ये 3-4-5 पॉइंट चले ना आज। और अहम कब से कब तक रहता है? 14 गुणस्थान से। बस इतना सा पॉइंट पढ़ाएं आप, आपको इसको नोट करें। ओम नमः शिवाय।